फिर एक बार कोलकाता रेप केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और ना जाने पूरे देश में ऐसे कितने केसेस होते होंगे, पर यही सब हमारे देश में बरसों से होता आ रहा है, जहां लड़की को टॉर्चर किया जाता है, रेप किया जाता है और उसका बेरहमी से मर्डर किया जाता है, जस्ट टू शो अ वुमन हर प्लेस। हम तो बड़े गर्व से कहते हैं हमारे देश में लड़कियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। अरे देवी तो बहुत दूर की बात है, यहाँ लड़कियों को इंसान तक नहीं माना जाता। हम चाहे फिर बस में जाए या फिर घर के पास की किराना शॉप में, हर जगह कोई ना कोई एक इंसान मिल ही जाता है जो अपनी घटिया नजरों से हमें देख रहा होता है, फिर चाहे वो लड़की साड़ी में हो या फिर शॉर्ट्स में, हर त्योहार में, फिर वो होली हो, गणेश चतुर्थी हो या फिर नवरात्रि, इन दिनों में लड़कियों का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। गली गली में लड़कियों को छेड़ा जाता है, भीड़ का पूरा पूरा फायदा उठाया जाता है, और होली की तो बात ही छोड़ दो। और ऐसे घटिया लोगों की वजह से हमारे त्योहार बदनाम होते हैं, और इन सब चीजों को बढ़ावा देती है हमारी फिल्म इंडस्ट्री। इन मूवीज में स्टॉकिंग और चिचोरेपन को रोमांटिक बुलाया जाता है, जिसमें सिखाया जाता है कि अगर लड़की ना बोल रही है तो ना का मतलब ना नहीं बल्कि ना का मतलब हाँ है। और कई एक्टिविस्ट ने कहा है कि अगर पनिशमेंट बढ़ा दी जाए तो रेपिस पक्का विक्टिम को मार देगा ताकि वो मुंह ना खोले, और अगर मुंह खोल दिया तो इसे फांसी हो जाएगी, तो इससे अच्छा मार ही दो। इसका बस एक ही सलूशन है, हम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सीखना ही होगा। कोई जरूरत नहीं है किसी पर डिपेंड रहने की कि कोई आएगा और हमें बचाएगा, हमें खुद हमारी लड़ाई लड़नी होगी। रास्ता यही है, उसे वही के वही उसी जगह सबक सिखा दो। विक्टिम नहीं शेरनी बनो। आज से आप कहीं भी जाओ, आपके पास छोटा चाकू, पेपर स्प्रे या फिर कुछ ऐसी चीज रखो जिसे आप खुद का डिफेंस कर सको। लड़कियों को बचपन से स्कूल में ही कराटे, जूडो जैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो बड़ी होने तक इतनी स्ट्रांग बन जाए कि किसी की हिम्मत ही ना करे उसे छेड़ने की, तभी लड़कियां बेखौफ कहीं भी आ जा सकती है। याद रखो, हम कमजोर नहीं है, वक्त आने पर हमें लक्ष्मी से दुर्गा बनना ही होगा। मैं किसी भी औरत को कुचल सकता हूँ, ये सोच को समाज से खत्म करने की जरूरत है, तभी ये सब रुक सकता है। हमें अब मोमबत्तियां नहीं, ऐसा काम करने वाले को जलाना है। गर्ल्स कम आउट एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। लूट कर मासूम की आबरू, जालिमो तुम्हें नींद कैसे आई होगी? तुमने तड़पा कर उस खिलते फूल को, अपने बेटियों से नजरें कैसे मिलाई होगी? तुम इतने बहरम कैसे बन गए? सोचती हूँ शायद तालीम ऐसी पाई होगी, ये सोचती हूँ तुमने तालीम ऐसी पाई होगी।